बंधु धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं अचानक फिर आप लोगों के बीच आ गया और इसलिए आया कि आज उसी पादरी कैरी का फोन आया और उसने क्या क्या बोला है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग भी सुनिए जरा ध्यान से ये क्या कह रहे हैं। दो बार सुनिएगा, एक बार 8 मिनट का है, एक बार 8 मिनट। हम फादर मालूम है? हेलो, किसका फादर है? हम फादर है, हमको हमको आपका चेला, हम बात करना पहले। हम फादर है, आपका चेला हमको बहुत परेशान करता, तंग करता, आप कंसकार दिखाता, आप कंसकार कैसा दिखाता, ठीक है? फादर को उल्टा पुलटा क्वेश्चन पूछता। तो किसका फादर है वो भी तो बता भाई। हमका तो फादर बोलता, जो आपको फादर बोलता, तुम हमारे पास नाग रगड़ रहे हो तो हम तुम्हारे फादर ठहरे? तो फिर ईसाइयों के ग्रैंड फादर हुए हम। हम बात नहीं करना। आप चेला लोग बहुत उल्टा उल्टा क्वेश्चन है। उल्टा क्या, एक की भी क्वेश्चन का जब क्यों क्वेश्चन? अभी तुम बता रहे थे कि हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते थे, क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे। केरला में बाढ़ आता, उल्टा उल्टा क्वेश्चन करता ना, इसलिए केरला में बाढ़ आता मालूम है, ठीक है? आप लोगों का कंसकार ऐसा गलत कंसकार आप लोगों को मिलता क्या? वो तो दुनिया देख रही है, गलत संस्कार किसको मिला है? हम बात नहीं करना। हम एक बता, आपका चेला बहुत गलत, बहुत प्रॉब्लम, ठीक है? राहुल गांधी के बारे में तुमने बोला कि उसका पोस्ट डालो, उसके नाम का प्रचार करो, पैसा देंगे। ये तो तुम धन्यवाद दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर केस नहीं डाला, इसलिए हमको लोभ और लालच तुम लोगों ने जो दिया है, देते आए हो। मैं अगर उस तरीके की बात करता, मैं तुम्हारे ऊपर दावा कर सकता था। आप सुनो ना, आपका चेला लोग उल्टा पुल्टा बात पूछता, उल्टा पुल्टा बात पूछता। आप बाप बेटे, बाप बेटे रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता मालूम आपको? तो लूत से पूछो ना, लूत से पूछो ना। तुम ईसाइयों के, तुम काय का फादर हो जो इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है? बात नहीं करना, ठीक है? हम फोन रखता है, लेकिन तुम तो रोजाना ही बोल रहे हैं, रोजाना ही बोल रहे हैं। हम बात नहीं करता, बात नहीं करता, फिर रोजाना हमको मिला था, हमको क्यों मिला? हम रिक्वेस्ट करता है आपका चेला लोग हटाना, थोड़ा हटाना उनको, काहे हटाएंगे? सच बात पूछते हैं तो हटा देंगे, सच बात का जवाब दो ना तुम। आप बोलना उनको, मेरे को फोन नहीं करना, ठीक है? मेरे को फोन नहीं करना, प्लीज। हमने भाई फोन तो तुम ही नहीं किया था, हमने तो किया नहीं। आपके बात करता, आपका चेला लोग गंदा गंदा क्वेश्चन पूछता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब तुमने फोन हमें मिलाया तो हमने नंबर दिया उन लोगों को, तो वो कैसा नहीं करेंगे? हम सभी का जवाब देता, आपका चेला लोग का। अब क्या जवाब देता? लूत ने अपने बेटी से संतान बनाया, क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब जब सारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय है, ओनली कोई मैला नहीं बचा है, तो वो मजबूरी, मजबूरी वो मजबूरी है। जब यहाँ बिना पुरुष के मरियम को बना दिया, तो और लूत को उनकी लड़की को बिना पुरुष से मिले नहीं बना सकता था यहोवा? देखना, आप हमको हिंदी में आता, पात्र मैं बोल, जो सच्चाई है उसको बोलो ना भाई। जब बिना बिना पुरुष से मिले मरियम गर्भवती हो सकती है, ईसा को जन्म दे सकती है, तो लूत के लड़की दोनों बाप से बिना मेरी बात सुनना, परमेश्वर जो चाहता है वो करता, ठीक है? परमेश्वर जो चाहता है वो करता,
अरे जो चाहता सो करता, जो चाहता सो पागल भी नहीं करता तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब बिना बिना पुरुष से मिले मरियम गर्भवती हो सकती है, संतान जन्म दे सकते हैं, तो लूत के लड़कियों से बिना पुरुष मिले संतान नहीं जन्म दे सकते थे परमात्मा। यह होगा तुम्हारा अब मैं आपको पहले इसका जवाब देता हाँ। लेकिन आप पहले पूरा बात सुनना, बाद में बोलना। ठीक ठीक लोग बहुत गलत हो गया था, उनको मर्द मर्द से सेक्स करता। ठीक तो मर्द मर्द जब सेक्स करता है तो परमेश्वर होगा उनको समझाना, और उनको समझाने को स्वर्ग दूत भेजा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब यहोवा ने बोला कि ठीक है तुम रात को यहाँ से निकल जाओ, हम अल्लाह के स्वर्गदूत हैं, हम ईश्वर के स्वर्गदूत हैं, भाई मैं तुम बदतमीज कौन है तुम? ये बदतमीजी वाली बात बाइबल ने सिखाया, तो ये बदतमीजी वाला बात बाइबल ने ही सिखाया। बाइबल से ये पूछ रहा, बाइबल वालों से पूछ रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब मैं सुनो मेरी बात सुनो, जब मैं कह रहा हूँ कि जब यहोवा मरियम के बिना पुरुषों से मिले उसके अंदर संतान बना सकते हैं, संतान भर सकते हैं, उसके अंदर उसके माध्यम से संतान दे सकते हैं, तो ये लूत के लड़कियों को बिना पुरुष से मिले वो संतान नहीं बना सकते थे? देखिए तो मर्जी, इसका मतलब तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा की मर्जी का वहाँ असमर्थ है, परमात्मा की ताकत ही नहीं है उस लूत की लड़कियों से संतान बनाने का। अब कैसे बात करता है? अब टॉपिक छोड़ो, उसको दूसरा टॉपिक और अच्छा अच्छा बात निकाल तुम्हें। अच्छा बात क्यों नहीं पकड़ता? अच्छा बात को तुम गलत बात बता रहे हो। तुम्हारी बात ही तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जब यहोवा मरियम से कुंवारी अवस्था में संतान पैदा करा सकते हैं, तो उन दोनों कुंवारी को, उन दोनों कुंवारी से संतान कैसे नहीं बना पाया? परमेश्वर जानता तो तुम काय के फादर बने फिर रहे? जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो काय के तुम फादर बने फिर रहे? अब मैं एक बात बताता दी, एक बात बताता। अब कब मेरे को फोन आता है तो मैं तमिल में गाली देता दी। वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसका जवाब दो ना, इसका इसका जवाब क्या है? इसका जवाब अरे तुम अनिल अम्बेडकर, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ मेरा मुंह तोड़ जवाब दे, कौन है मेरे सामने? करो ना, मैं तो बोला वेटिकन सिटी से बुला लो किसी को। आपका नेपाल का पत्र दुबई में भी रहता, नेपाल का पत्र आपसे डिबेट करता, आपका मतलब पूरा करता। मेरी खुली चुनौती है नेपाल का हो चाहे भोपाल का हो, नवंबर में आता है। मैं कह रहा हूँ कि नेपाल का हो चाहे भूटान का हो कहीं का हो, पादरी को करो मेरे सामने, फिर पादरी को देखता हूँ कि किसका क्या पादरी गिरी करता है। मैं बता रहा हूँ कि जब ये इसका मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम बता नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है कि यहोवा तुम्हारा असमर्थ है उन कुंवारी के पेट से, यानी मरियम कुंवारी, मरियम के कुंवारी अवस्था में मरियम का तो संतान बना दिया ईसा को, और लूत के दोनों लड़की कुमारी अवस्था में ईश्वर संतान बनाने में असमर्थ है, जो बाप से गलत काम करवा दिया। देखना मेरी बात सुनना, लूत का दो बेटा हुआ मुआब और बेना में, वो तो लड़की से ही हुआ ना। तो मुआब और बेना में से जो क्रिएटर दोबारा चला, ठीक है, दोबारा चला तो अम और आप भी लूट का मुआब और बेनमी का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लूट का वो जनरेशन चला कैसे? आपने बेटी से ही तो चलवाया। फोन तो रखो, तुम तो रोजाना ही बोलते हो फोन रखता पर रोजाना फोन करते हो। बंधुओं ये आपने सुना आप लोगों ने, अब देखिए इसके फिर दोबारा फोन आया और दोबारा फोन में वो क्या कह रहा है इसको भी सुनिए, वो क्या बोल रहा है, किस तरीके से रो रहा है, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। अच्छा आप बहुत बंदा फोन कर रहा है, हम अभी सारे क्वेश्चन आंसर देता, एक मिनट आप सुनो ना, हम सारे क्वेश्चन आंसर देता और हमारा चैनल है, हम उसका यूट्यूब चैनल पे लगाता ये आंसर, हम रिकॉर्ड करता। ठीक है, हम अपना
अपना यूट्यूब चैनल है, जो करना हो ना कर रहे, या तो को रोक रखा है क्या? ठीक है, अब हम अंतर देते, आप 8538151735 और 9449086647 और बहुत सारा नंबर है, हमको बहुत परेशान करता है। करेगा ही तो, तुमने काम ही ऐसा ही किया है तो परेशान नहीं करेगा, क्या करेगा? नहीं, हमको मालूम, हम सब क्वेश्चन का आंसर देता है। एक क्वेश्चन के आंसर दो, सब तो दूर की भाई, एक क्वेश्चन के आंसर इन लोग पूछा, हम सब का आंसर देता है। हमारा एक क्वेश्चन के आंसर दो ना, हम जो पूछ रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है जब सूरज छोटे दे बना तो आपको कैसे दिन रात का परमेश्वर को पता चलता अंकर? दिन रात 24 आवर का होता, ठीक, 24 आवर जब बीतता, दिन रात कितना होता है? दिन और 24 आवर होता ना, अरे 24 आवर सूरज के बिना गिने का कैसे करे? बाद में सुनो ना, अब बाद में बोलना, कैसे बोलेगा सूरज के बिना दिन कैसे गिनेगा? 24 आवर गिनेगा ना परमेश्वर। अरे मैं बोल रहा हूँ कि दिन जब गिनेगा तो सूरज के बगैर दिन का पता कैसे लगेगा? आवर गिनता, 24 आवर बीतता, वाच देखा अपने, वाच देखता तो सूरज थोड़ी देखता, ठीक है, अब वाच देखता तो आँख से, सूरज ना हो तो आँख से दिखाई देगा, मूर्ख। सूरज ना हो तो आँख से दिखाई देगा, सूरज आँख का काम ही सूरज का है। कल मेरा आंसर सुनो ना, उसके आंसर क्या, तो आंसर कहाँ दे पा रहा हूँ? सूरज आँख जो 24 आवर्स गिनेगा कहाँ से? जब आँख से देखेगा तभी तो गिनेगा, तो आँख का काम है, आँख का विषय सूरज का है, सूरज ना हो तो आँख का विषय ही नहीं रहेगा। तुम हमारा एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, मैं बकवास क्यों कर रहे हो भाई? हमने एक का दे दिया, अब क्या एक का दे दिया, क्या एक का दिया, क्या एक का दे, तुम्हारा दादा नहीं दे पाएगा, तुम एक का क्या लोगे? आकाश, आकाश क्या होता है? सकाई एक बहुत बड़ा छत, ऊंचा छत, छत जो ब्लू कलर का है, ऊपर उसके ऊपर है परमेश्वर। आकाश खाली जगह को कहते हैं, आकाश के मानी है स्पेस। तुम्हारा यहोवा जवाब नहीं दे पाएगा, तुम कहाँ से लाओगे जवाब? नंबर तीन है, मेरे सामने, मेरे सामने करो ना, मेरे सामने लाओ ना, तभी ना बताऊंगा, मेरे सामने लाओ, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? फोन आना बंद करेगा, फिर मैं अभी इसको फिर लगा रहा हूँ, इसको भी फिर मैं दूंगा, हाथ जोड़ता, चपाव पड़ता, नाक रगड़ता, ये तो सब करके देख लिया, मैं किसको किसको मना करूंगा यार? अभी बीजी डालता ना, उसमें रिक्वेस्ट कर देना हमको, हम फादर, आपको मालूम है, आप हमारा फादर कहलाने में भी लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? एक भी सवाल का जवाब नहीं है ना, बाइबल एक सवाल का जवाब दे सकता, मैं अभी बाइबल पढ़ के सुनाता हूँ, अभी इस वीडियो को लगाता हूँ, रुक जा, बात सुनना ना, मेरे एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऐसा करना, अब बोलना कि फादर का इंसल्ट नहीं करना, ठीक है? हमारे कंस का ऐसा नहीं, इंसल्ट किसका होता है? यहोवा बचा नहीं पा रहा है तुम्हें, इंसल्ट करने से, इंसल्ट करने से रोक नहीं पाता यहोवा? आप देखो, आपको मालूम है जो जब तिहोर में परमेश्वर यहोवा से सबसे बड़ा आग सांप और पत्थरों की बारिश हुआ था, केरला में भी बाढ़ आया, मालूम है परमेश्वर यहोवा का क्रोध क्या हुआ? मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है, पर तुमका यहोवा कहाँ गया? यहोवा क्यों नहीं बचा पा रहा? यहोवा तुम सब बीमारी ठीक करता, ये करता, वो करता, और वो बाढ़ से क्यों नहीं बचा पाता? फेल है यहोवा, आजकल फेल है, तुम वहाँ झूठ मूठ दुनिया वालों को झूठ बता करके मरीज ठीक करता, ये करता, में तुम सारी काम करता, और ये यहोवा तुम्हारा खुद ही देखना, खुद देखना जाके, बड़ा बड़ा मरीज अपना पैरों पे चल के जाता है। अरे वो सब दुकानदारी हमारा देखा हुआ है, हम आते नहीं देख रहे, जितना लोग आप देखना, हमको खुद देखना, हमको दिखा क्यों रहा है, खुद देखने क्यों देख रहे हैं? बाढ़ आने से क्यों नहीं रुक पाया यहोवा?
अपने जो फोन आना बंद कराना है, मेरे को बहुत यहोवा क्या काम करे? अच्छा ये बताओ तुम, यहोवा से यहोवा तुम सब बता रहे हो, यहोवा सब कुछ कर सकता है, तो यहोवा फोन आना बंद नहीं करा सकता? हमारे पास नाक क्यों रगड़ रहे, हाथ क्यों जोड़ रहे, पाँव क्यों पड़ रहे भाई? वेटिकन सिटी तक का नंबर होगा तुम्हारा? ये झूठ का पुलिंदा, ये तो वेटिकन सिटी तक का हमें बंद कराना है। हमको ईसाइयत को दुनिया में उजागर करना है कि ये धर्म नहीं है, दुनिया वालों को जंजाल में। राहुल गांधी आता ना, हमको आपको मतलब नहीं है ना, राहुल गांधी आता है तो हम उनको फिर कुछ नहीं कहता। ठीक है, राहुल गांधी आने से क्या आसमान तोड़ लेगा देख लूंगा। ठीक है, और आज दुनिया को देखा, आज आज जो SC ST एक्ट है, आज जो फॉरवर्ड क्लास है वो परेशाना मालूम है। क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारा एक मोदी को तुम्हारा यहोवा संभाल नहीं पा रहा है तो तुम क्या संभालोगे? राहुल गांधी आने दो, ये आने दो, वो आने दो, तो यहोवा क्या घास काट रहा है? अरे हम तो समझता, हम तो सब समझता, हम कैसे नहीं समझता, हम तो खूब समझता। यहोवा क्या करता, यहोवा क्या करता, यहोवा क्या करता, यहोवा क्या करता, भगवान करता। ईसाइयत छोड़ दो, वैदिक धर्म, वैदिक धर्मी बनो, ईसाइयत छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ तेरे, नहीं छोड़ता तो फिर ढोते फिर हमें क्यों चिल्ला रहे, हमें क्यों हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे? यहोवा के सामने गिड़गिड़ाओ, यहोवा सुनेगा तुम्हारा। भारत में ईसाई बनने वाले जो हिंदू घराने के लोग ईसाई बन रहे हैं, उन्हें विशेष करके मैं ये सुनाने के लिए आप लोगों को, आप लोगों तक ये आवाज पहुंचाया हूं कि जो लोग ईसाई बन रहे हैं, देखिए उनके पादरी के पास कोई जवाब है, किस तरीके से रो रहा है, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, देखिएगा। ये एक पादरी होकर के वो अपने आप को फादर कह रहा है, अब किसका फादर है वही जाने, पर मैं निवेदन कर रहा हूं हिंदू घराने के लोगों से, जो लोग ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं, ये किस्सा कुरान और बाइबल दोनों जगहों में है कि मरियम की कुंवारी अवस्था में संतान जन्म देना यहोवा के द्वारा या अल्लाह के द्वारा ये संभव हुआ, लेकिन लूत के काल में, लूत के जमाने में, लूत ने, इस पादरी ने खुद बोला कि मजबूरी थी इसको जनरेशन बनाने का, संतान बनाने का, तो लड़की से दोनों संतान उत्पन्न किया। जब वो वहां बाप लड़की से संतान उत्पन्न करे या उत्पत्ति करे, तो क्या यहोवा मरियम जैसा वहां बिना लड़की के खुशी पुरुषों से संभोग कराए बिना संतान नहीं बना सकते थे? क्या यहोवा इस काम में फेल है? क्या यहोवा निष्क्रिय है? पहली बात। दूसरी बात है, मैं कुरान और बाइबल दोनों से पूछना चाहता हूं, दोनों के मानने वाले से पूछना चाहता हूं कि लूत को लेकर के दुनिया है कि या दुनिया में लूत है, कि एक स्त्री एक पुरुष और दो बेटी, इसे ही दुनिया माना जाए, इसे दुनिया कहा जाए जो बाइबल और कुरान कह रहा है इस बात को? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब अवैज्ञानिक है, अवैदिक बातें हैं, अमर्यादित बातें भी हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं। ऐसे ही सृष्टि नियम विरुद्ध बातों को लोग झेल रहे हैं। तो ईसाई और मुसलमान बनने वालों, जो हिंदू घराने के बेटे और बेटी, आप लोग जो ईसाई और मुसलमान बन रहे हो, आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से एक पादरी गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है महेंद्रपाल आर्य के पास, क्या जवाब है इन लोगों के पास, क्या जवाब है इन बाइबल और कुरान के पास? कुरान एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप लोग देख रहे हैं कि सब चिल्पो कर रहे हैं, कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, कोई हाथ पांव तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं हुई।
और सामने आने की हिम्मत होगी भी नहीं, क्योंकि ये सब नंगे हो जाएंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एक भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये मनगढ़ंत बातें हैं, किस्सा कहानी है, और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब अल्लाह कुरान के आयत नाजिल करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की घटना में बताया कि जैनब को उन्होंने शादी की, जो मुंह बोले बेटे कई पत्नी, जो जैनब इनके फुफेरी भाई थी, अभी हिमांशु जी ने लिख करके भी दिया, मैं देख रहा था, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 खोल करके देखिए। वहां अल्लाह ने कहा कि मैंने निकाह कराई, अल्लाह काजी है, अल्लाह काजी का काम कराते हैं क्या निकाह पढ़ाने का? पर ठीक है, अल्लाह ने अगर निकाह पढ़ाई तो मैं पूछ रहा हूं इस्लाम जगत से, और जाकिर नायक से भी पूछा, 2004 में मैं 1 मार्च को लिखा था, 2004 के मार्च महीने के पत्रिका ऋषि सिद्धांत रक्षक जो पत्रिका है, उस पत्रिका का संपादकीय लेख को पढ़िए, जो मैं अपनी पुस्तक में भी डाल रखा हूं, कि दिन मेहर कितना रखा गया था, गवाही कौन कौन थे, और ये जाकिर नाइक को जो मैं सवाल किया वो लिखित जवाब वो आज तक दिया नहीं है, और आप लोगों ने देखा तारिक अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ वही कागज मैं उसको पकड़ाया था, आज तक जवाब नहीं दे पाया। सुनो कान खोलकर इस्लाम वालों, जो चिल्पो कर रहे हो, आज तक अब्दुल्ला तारिक उसका जवाब नहीं दिया ना दे पाएगा, मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं। जाकिर नाइक को यही सारा लिख करके दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की कम सिन पत्नी आयशा एक सफर में थे, उनको हाजत के लिए जाना पड़ा आड़ में, पीछे एक साहबी नियुक्ति थे, कोई सामान गिर जाने पर उठा लाना, पर सामान तो मिला नहीं। आयशा जंगल के अंदर से निकल के आई, उस बेचारे ने अपने ऊंटनी पे बिठाया, नकेल पकड़ करके काफिला तक पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे तो सब लोग आयशा के चरित्र पर संदेह करने लगे, यहां तक कि मोहम्मद साहब ने भी संदेह किया, और अल्लाह ने देखा कि पति पत्नी के वैमनस्ता को, तो फौरन अल्लाह ने कुरानी आयत में आयत नाजिल कर दी कि अगर चार गवाही ले आते हो, चार तुम्हारे पास गवाही नहीं है तो 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहो तो अलबत्ता सच्चे माने जाओगे। सूरह नूर आयत नंबर 6 को उठा कर देखो, और यही इसी लोग कलामुल्ला कह रहे हैं, इसी लोग ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं, इसी लोग ईशवानी मान रहे हैं। तो ईशवानी बनी नौ इंसान के लिए होगा, मानव समाज के लिए होगा, मानव मात्र के कल्याण के लिए होगा, कि एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक व्यक्ति विशेष के पति पत्नी के झगड़े का उपदेश ईश्वरीय ज्ञान माना जाएगा। कौन आ रहा है? आओ, खुली चुनौती है, रोजाना मैं चुनौती दे रहा हूं, सामने आने की हिम्मत जुटाओ, दुनिया वालों को बताओ सत्य क्या है और गलत क्या है, सही को अपनाना और गलत को छोड़ देना, यह है इंसानियत। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारा मैं लिखना लिख करके दिया हूं और भी लिख रहा हूं कि कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहना अंधकार में प्रकाश को ढूंढना, ये जाकिर नाइक को मैं 2004 के मार्च महीने में लिखा था, और वही कागज मैं अब्दुल्ला तारिक को भी पकड़ाया हूं 2008 के 8 फरवरी में बुलंदशहर जिला के अंदर ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज में, जिनको देखना हो वो देखे उस डिबेट को। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये पादरी किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, पादरी रो रहा है, चिल्ला रहा है, और एक सवाल का भी जवाब नहीं है इसके पास। और सवाल मेरा क्या था? मेरा केवल छोटा सा सवाल था, और हमारे बच्चे इनको फोन पे परेशान कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा चेला हमें फोन पर परेशान कर रहा है। अरे वो पादरी कह रही, अगर चेला मेरा है तो तेरा चेला कहाँ है? तू अपना चेला क्यों नहीं बनाया? और ना तुझे यहोवा रोक सकता है इस काम से। अब देखिए यहां पर भी जो इंशाल्लाह माशाल्लाह हिमांशु जी ने भी लिखा है मेरे पे अपने पेज में, होम पेज में मैं देख रहा था, इंशाल्लाह माशाल्लाह ये सब बता रहे हैं। अल्लाह चोचा, जब मानव कृत कार्य परमात्मा का नहीं है, मैं बोल चुका हूं बहुत बार, परमात्मा का, रविवार को भी मैं बोला था, ईश्वर का और मानव का काम बटा हुआ है, मानव वाला काम परमात्मा के मर्यादा के खिलाफ है, विपरीत है, इसलिए मर्यादा की
विपरीत होने के कारण परमात्मा मानवकृत कार्य नहीं करता, और परमात्मा के जिम्मे में जो काम है वो काम मानव हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मानव के पहुंच के बाहर है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव मात्र के लिए ज्ञान वेद है, मानव मात्र का ज्ञान वेद है। यथे मम वाचम कल्याणी मा बदानी जनभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कुरान और बाइबल को जो लोग ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं उन लोगों को मेरी खुली चुनौती है, सिद्ध कर दे, ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करें सामने बैठकर, तो हम भी उसे कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे नतमस्तक होकर, और उसे सिद्ध ना करने की दशा में उन्हें सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये दो टुक की मेरी खुली चुनौती है। बाबू हरीश जी ने मुहैया कराने के लिए सभी लोगों को कुछ सोचे हैं, ये वाकई में मैं बहुत दुखद स्थिति में हूँ। हरीश बाबू मैं क्या क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं पहले से ही कि मैं 2010 से झेल रहा हूँ, निरंतर लोग गाली गलौज और रोजाना फोन में कैसे कैसे आता है। आज एक मुसलमान बच्चे ने क्या कहा वो मैं कल सुनाऊंगा आप लोगों को, कल नहीं सुनाऊंगा तो फिर परसों सुनाऊंगा। एक मुसलमान बच्चा जो कि माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, बिहार चंपारण जिला का रहने वाला है, चेन्नई गया था पढ़ने के लिए, वहां हिफ्ज कर रहा था। अब अम्मा सिपाही यानी 30वां सिपारा उसको हिफ्ज करने के लिए याद कराया था। उस बच्चे ने मौलाना साहब से अपने उस्ताद से एक सवाल पूछ लिया कि हिंदू और मुसलमान कौन बनाया है, हिंदू कौन और मुसलमान कौन है, इंसानियत का पाठ कहाँ है। उस छोटे से बच्चे का जवाब मौलाना ने नहीं दिया, न दे पाया, उस बच्चे को डंडी बजाया, यानी बच्चे पर इतना प्रहार किया वो बच्चा 10 दिन तक बीमार पड़ा, बुखार आ गया, और जब सारे बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वो चेन्नई से भाग करके फिर बिहार आया, और माँ बाप के पास भी हिंदू मुसलमानों को लेकर के सामने करके बहस किया, नहीं उत्तर दे पाए, ना हिंदू के पास उत्तर ना मुसलमान के पास उत्तर। वो बच्चा मेरे से संपर्क किया, मैंने बोला कि हाँ माँ बाप से लिखवा लो, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए, तुम्हें विद्वान बनाने के लिए मैं अपनी व्यवस्था करा दूंगा। मेरा बेटा भी एक गुरुकुल का आचार्य है, मैं वहां उससे कह करके व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन माँ बाप से लिखवा के। तो इस तरीके से ये सारा काम मेरा चल रहा है, और भी कितनी बातें हैं, मैं क्या क्या, मैं प्रमाण मेरा सारा यूट्यूब में भरा पड़ा है, प्रमाण मेरा सारा किए हुए काम है इन 35 वर्षों का, और इन कामों के नजदीक ये लोग नहीं टिक पाते, ना टिकेंगे, क्योंकि मैं जो काम करके दिया हूं ये 7 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे, जितना भी चिल्पो करे। मैं तो डफली वाला कह दिया, ये सब डफली वाले हैं, डफली बजा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे रोजाना मेरे पास फोन आते हैं, और कैसे कैसे कई पुराने फोन भी फोन आए लोगों के, और मैं भूल गया था, कई लोगों ने मुझे भेज करके याद दिलाया है, ऐसे भी है, मैं वो सब आप लोगों के सामने उजागर करूंगा। मैं अगर रोजाना 3-4 बार आप लोगों को इस तरीके से वीडियो देता रहूंगा तब भी समाप्त नहीं कर पाऊंगा, इतना खजाना है मेरे पास, ये सब लोगों के किए कराए, मैं अपने आप नहीं बोला है, आपने सुना अभी आप लोगों ने, ये पादरी की आवाज है, वो पादरी कैरी जिसका नाम था, जिसको मैं पहले भी सुनाया था, आज भी वही चिल्ला रहा था, वही गिड़गिड़ा रहा था, वही रो रहा था कि तुम अपने चेले को रोको, वो हमें फोन करना बंद कर दे, हमारा ये फोन भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक का नंबर इसमें है और इसके टच में है। तो मैं उसको बोला कि छोड़ दे ईसाईयत और सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले। तो जो लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके, जो हिंदू हिंदुत्व को छोड़ करके, हिंदू घराने को छोड़ करके ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं, उन लोगों को अकल आनी चाहिए, उन लोगों को चाहिए, मैं विशेष करके उन्हीं लोगों को कह रहा हूं। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इस तरीके से मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे मुझे नमस्ते लिखते हैं, मुझे नमस्ते भेजते हैं। मैं आप लोगों का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ और आभारी रहूंगा मरती दम तक कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है। ये हरीश बाबू हमारे राजस्थान से हैं, बड़े ही स्नेही हैं, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ये तन मन धन से मेरे साथ लगे हुए हैं, बड़ा सहयोग रहता है मेरे साथ इनका।
तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और इन पादरी वाला वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचारित प्रसारित कीजिए, हमारे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते, इसको सब्सक्राइब करके इतना बढ़ाइए कि अपने आप ही लोग दंग रह जाएं। तो ऐसा ही अभी 50,000 का भी व्यूज वो उसमें सब्सक्राइब नहीं है, तो कम से कम ये काम की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ही काम आगे बढ़ेगा, जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही काम आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। हमारे आदित्य जी बहुत बार दिखाई पड़े, आदित्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। इस तरीके से आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबू हरी जी फिर नमस्ते लिख रहे हैं जी, नमस्ते नमस्ते। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित कीजिए कि जिससे जो ईसाई बन रहे लोग वो भी सुने। और ये हुआ ऐसा ही, ये ईसाई लोग मेरे पीछे क्यों पड़े वो भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। ईसाई लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े थे कि इनको ईसाई बनाया जाए, क्योंकि मेरे वीडियो को सुन करके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ईसाई हिंदुत्व में फिर वापस आ गए। इसी बौखलाहट से ये लोग, ये जितने भी पादरी मेरे पीछे लगे थे, 4 वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि रुपया पैसा दो, धन दौलत दो, छोकरी भी दो, कुछ भी दो, कैसा भी करो। रात रंगीन करने की बात रितिका मसीह ने की थी, वो आप लोगों को दिखाया है, सारा यूट्यूब में डाल दिया था, व्हाट्सएप में डाल दिया था, फेसबुक डाल दिया था, आदि आदि सब आप लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से जहां पादरी लोग गिड़गिड़ा रहे हैं महेंद्र पाल आर्य के पास, और महेंद्र पाल आर्य के टच में रहने वाले हिंदू कहलाने वाले अगर ईसाई बन रहे हैं, तो महेंद्र पाल के लिए गिरा गुजरेगा या नहीं, दुखद स्थिति होगी या नहीं। इसलिए मैं केवल इतने से ही आप लोगों को कहना चाहता था, इतनी सी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये कार्यक्रम दिया। अब यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।